हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स इज इजी में। कई बार लोग पूछते हैं मैथ्स इज इजी। यस, मैथ्स इज इजी दोस्तों। आसान तो जिंदगी भी नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाना पड़ता है। तो मैथ्स को भी आसान बनाना पड़ता है स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स एंड टेक्निक से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट मल्टीप्लीकेशन तो हमें हमेशा करना ही होता है। तो आज हम देखेंगे कि पेन का यूज किए बिना आप अपने हाथों से कैसे फास्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू टू माइंड ब्लोइंग मैथ्स ट्रिक्स। फर्स्ट वन, मल्टीप्लाइड विथ 11 एंड द सेकेंड इज मल्टीप्लाइड विथ 111। ये मैथ्स ट्रिक हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हम सभी को जरूर सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इंडियन मेथड्स हैं, इंडियन वैदिक मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज हाउ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 11। अगर हमें एक डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, हम सब कर सकते हैं। जो टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको थ्री डिजिट मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको फोर डिजिट नंबर मिलेगा। तो अब हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर थ्री डिजिट नंबर। पहले स्टेप में ये नंबर आपको ऐसे ही लिखना है, ये नंबर आपको ऐसे ही लिखना है और मिडिल मोस्ट एलिमेंट इन दोनों को ऐड कर देना है। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। 45 मल्टीप्लाइड बाई 11, 4, 5 और बीच में कर दिया उन्हें ऐड, तो क्या आएगा 495। 25 मल्टीप्लाइड बाई 11, 2, 5 बीच में आ गया 7। तो आप मेंटली आंसर दे सकते हो। चलिए कुछ और नंबर्स देखते हैं। 42 मल्टीप्लाइड बाई 11, सबसे पहले 4 और 2 एज इट इज़ आएंगे, 4 और 2 एज इट इज़, 4 प्लस 2 6 आ गया मल्टीप्लीकेशन। 65 मल्टीप्लाइड बाई 11, अब जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होता जाता है तो सबसे पहले आप ये 5 यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे, 5 वुड बी एज इट इज़, उसके बाद 5 और 6, 5 प्लस 6 11 होगा। अब ये टू डिजिट का आ गया तो सिर्फ आप 1 लिखोगे और जो नेक्स्ट वाला आप ऐसे ही लिखने वाले थे उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। 75 मल्टीप्लाइड बाई 11, अब ये नंबर फिर से बड़ा हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ऐसे ही होगा, फिर उसके बाद 7 प्लस 5 होता है 12, 2 ऐसे ही लिखेगा और वो जो 7 हम ऐसे ही लिखने वाले थे उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 8। 95 मल्टीप्लाइड बाई 11, आप समझ चुके हो, 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, 9 प्लस 5 14 होता है, 4 लिखिए 1 नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया इतना। तो इस तरह से क्विकली कुछ प्रैक्टिस के बाद मेंटली आप इजीली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा इसमें और आप टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 11 सीख चुके होंगे। चलिए अब कुछ बड़े नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 और 4 डिजिट नंबर्स ले लिया है। ट्रिक यहाँ पर भी वही है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी आगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को ऐसे ही लिखना है, इसको ये ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर ये ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये हो गया 1। अब ये 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद 2 प्लस 3 लिखा जाएगा जो कि होगा 5। सो 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 1, 3, 5, 2। अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर भी आपको 4 डिजिट नंबर्स मिलने वाले हैं। You will get 4 digit numbers here over here. सबसे पहले आप 4 लिखिए as it is, 1 लिखिए as it is, 4 plus 5, 9, 5 plus 1, 6 हो गया multiplication. इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये 6 ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, 6 plus 2, 8 and 2 plus 3, 5 हो गया multiplication. सिंगल अटैम्प में बिना पेन के यूज के भी आप इसे कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के बाद। इसकी बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट ले लिया है मैंने, तो अब आपको 5 डिजिट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब आपको 5 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर 2 प्लस 6, 8, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, 6 प्लस 1, 7 एंड 1 प्लस 3, 4 हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा नंबर लिया है, द नंबर इज 5, 4, 3, 2, 1। जितना भी बड़ा हो प्रोसेस यही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ पे कितने डिजिट हैं उससे एक ज़्यादा प्लेस बना लीजिए। ये मैंने 5 लिया तो 6 बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। नाउ 5 प्लस 4, 9, 4 प्लस 3, 7,
थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस वन थ्री एंड वन एज इट इज. किसी भी थ्री डिजिट नंबर का यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है. अगर ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले याद रखिए कि हमें इनके मल्टीप्लिकेशन में फाइव डिजिट नंबर मिलने वाला है. तो आप यहाँ पे फाइव डिजिट बना लीजिए. अब ये जो फर्स्ट नंबर है ये ऐसे ही रहेगा और जो ये लास्ट नंबर है ये ऐसे ही रहेगा. उसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री. उसके बाद तीनों को आपस में ऐड करिए, फोर प्लस ज़ीरो फोर प्लस थ्री सेवन. उसके बाद ये दोनों को ऐड करिए, आ जाएगा फोर और ये नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं. मान लीजिए हमें इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, वन टू थ्री फोर फाइव. दिस टू विल बी एज इट इज़, ये ऐसे रहेगा और ये थ्री ऐसे रहेगा. उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, फोर प्लस टू सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन. उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे, ये सिंगल स्टेप आंसर, सीधे आपको आंसर मिलने वाला है. इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं. यहाँ पे 514 मल्टीप्लाई बाई ट्रिपल वन, सबसे पहले पांच प्लेसेस बना लीजिए. ये बना लिए फाइव प्लेसेस. उसके बाद फर्स्ट नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा, लास्ट नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे. नाउ अब आपको सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, फोर प्लस टू सिक्स होता है. फिर इन तीनों को ऐड करना है, फोर प्लस टू प्लस फाइव, ये हो जाएगा इलेवन. टू डिजिट नंबर है, एक नंबर ऐसे लिखिए, एक कैरी हो जाएगा. यानी अगर टू डिजिट नंबर आता तो सीधे मत लिख दीजिए क्योंकि आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है. उसके बाद इन तीनों को ऐड करना है तो ये हो जाएंगे 11 का वन कैरी, 5 प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस वन टेन. तो ये 10 का ज़ीरो और वन कैरी, तो ये नंबर आ जाएगा 6. तो ये हो गया इसका. तो हमने देखा कि अगर कितने भी बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो या किसी थ्री डिजिट नंबर को ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करना हो तो ये मैथ ट्रिक आपका टाइम बचा सकती है. अगर आपको ये मेथड पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल मैथ्स दीदी को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की टाइम सेविंग ट्रिक्स के लिए.